कुख्यात अपराधी संतोष आंबेकर की 4 मंजिली बिल्डिंग को महानगर पालिका और पुलिस बंदोबस्त द्वारा तोड़ा गया। अवैध काम को बढ़ावा देने में महानगर पालिका के अधिकारियों की भी भूमिका नजर आ रही है। संतोष आंबेकर के ऊपर कई अपराधी मामले दाखिल रहने के कारण आज जेल की हवा खा रहा है। महानगर पालिका द्वारा अभी तक संतोष आंबेकर की 3 बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर कार्रवाई की गई। तीनों प्रॉपर्टी महानगर पालिका के नक्शे में जितना सैंक्शन था उससे 4 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से काम किया गया था। आज की कार्रवाई में 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर 3000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन अवैध तरीके से करके रखा था, जिसके कारण आज वहां पर महानगर पालिका ने जेसीबी द्वारा 4 मंजिल बिल्डिंग तोड़ा गया। संतोष ने मकान बनाने के लिए महानगर पालिका से नक्शा पास करवाया, लेकिन मकान के बदले संतोष ने अपना 4 मंजिली बिल्डिंग में ऑफिस बना डाला। महानगर पालिका ने 2011 में 800 फीट के प्लॉट पर 600 फीट का कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दी गई। सर, आज भी एक संतोष आंबेकर के मकान पे कार्रवाई की गई है, कितने मंजिले की बिल्डिंग थी और इसका नक्शा पास था या नहीं था? सर, ये संतोष आंबेकर पे पिछले दिवाली के वक्त 2019 में मौका के तहत कार्रवाई हुई है। इसने दादागिरी करके या लोगों से जबरन जो पैसा लिया था उसके वजह से उसके 3 मकान ये एरिया में थे, एक आठवन, दूसरा कोठी और तीसरा ये उसका ऑफिस था। तो पहले इसके पहले ये दोनों गिराए गए हैं और आज ये उसका जो ऑफिस है ये G+4 है, यानी 5 मंजिला कार्यालय है। इसने NMC से परवानगी ना लेते हुए जो सैंक्शन प्लान था उससे ज़्यादा बांधकाम करने की वजह से इसके बारे में महानगर पालिका में भी अलग अलग केस चालू थी और पुलिस के क्राइम ब्रांच पुलिस की तरफ से भी एक अहवाल जाने की वजह से आज मनपा की तरफ से ये कार्रवाई चालू है। पुलिस बंदोबस्त उन्हें चाहिए था इसलिए हमने पुलिस बंदोबस्त दिया। यहाँ ऐसे अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति नहीं है क्योंकि ये गिरने वाला था, ये सभी लोगों को मालूम था। सर, इसको महानगर पालिका में इसका नक्शा पास था या नहीं था उसी के कारण इसका बनाया जा रहा है? अग्दी बराबर जितना उसने बनाने को होना था उससे ज़्यादा बनाया है। जो पिलर है वो सैंक्शन प्लान के बाहर आ चुके हैं इसलिए वो पिलर तोड़ना और बाकी मकान जितना एक्सेस काम है वो तोड़ना चालू है महानगर पालिका की ओर से। रजिस्ट्री उसके नाम पे थी क्या? रजिस्ट्री भी इसके इसके बारे में मेरे से ज्यादा आप महानगर पालिका वाले से पूछो तो अच्छा रहेगा। संतोष आंबेकर ने 2014 तक 3000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग तक खड़ी कर दी। महानगर पालिका के अधिकारी लोगों को पता तक नहीं चला। महानगर पालिका के अधिकारियों को 4 मंजिली बिल्डिंग अवैध तरीके से बन रही पता रहने के बाद भी अधिकारियों ने 2014 में कार्रवाई नहीं की। संतोष आंबेकर के साथ अधिकारियों के साथ गांठ तो नहीं? पुलिस द्वारा संतोष आंबेकर पर शिकंजा कसा गया। उसके बाद महानगर पालिका 2020 भी अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई कर रही है। पहला सवाल, महानगर पालिका के अधिकारी 4 साल तक संतोष के इल्लीगल बिल्डिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा सवाल, महानगर पालिका के अधिकारियों के साठ गांठ के कारण ही नागपुर शहर में ऐसे कई अवैध तरीके से बिल्डिंग और मकान बने हुए हैं। तीसरा सवाल, महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को मालूम रहने के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर रहे। चौथा सवाल, नागपुर शहर में बिल्डिंग और मकान दुकान तोड़ने की फाइल कई सालों से महानगर पालिका के जोन में पेंडिंग रखे हैं। कारण उनके संबंध महानगर के अधिकारियों के साथ देखा गया है। जिस अधिकारियों की जोन में अवैध काम चालू है उनको बढ़ावा देने वाले अधिकारियों पर सबसे पहले कार्रवाई की जानी चाहिए। इसकी रजिस्ट्री लीगल है, इसका सैंक्शन हुआ था 11/11/1900 सैंक्शन हुआ था, लेकिन जितना सैंक्शन था उससे ज़्यादा बना है। तो उसका जो सैंक्शन था वो था 81 स्क्वायर मीटर सैंक्शन था, लेकिन उससे 231 स्क्वायर मीटर ज़्यादा बना है, यानी जितना उसको बनाना था उससे तो 3 टाइम ज़्यादा बना है। इसलिए उसको नोटिस देने में आया था और नोटिस दिया था उसको 11/11/1900 नोटिस दिया था। तो उस नोटिस देने के बाद में वो ये लोग अपील में गए थे स्लम अथॉरिटी तरफ में और उसके बाद केस रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फिर वो एडिशनल कलेक्टर उनके तरफ अपील गए थे तो अपील का रिजल्ट लगा 1 महीना पहले इस तो उसमें आदेश हुए तोड़ने के, तो उस हिसाब से तोड़ रहे हैं। कितनी मंजिली का उसको सैंक्शन था और ये जिस तरीके से अभी ये ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 फ्लोर बनाया हुआ है? ग्राउंड प्लस 3 का सैंक्शन था उसको, लेकिन उसका जो सैंक्शन था पहले फर्स्ट फ्लोर पे 123 स्क्वायर मीटर था, उसे 54 स्क्वायर मीटर बनाया। सेकंड में भी 23 स्क्वायर मीटर सैंक्शन था, वो 54 बनाया। और जो फाइनल लास्ट फ्लोर है, 4th फ्लोर जिसको G+3 बोलते हैं, वो 10 स्क्वायर मीटर था, वो भी उसने 54 स्क्वायर मीटर बनाया। काउंटर ही ज़्यादा था उसका वाला। ग्राउंड फ्लोर में कुछ पार्किंग की जगह थी कि जिस तरीके से अभी दिख रहा है यहाँ पर पूरा एक ऑफिस बनाया गया था, इनको पार्किंग की जगह थी? नहीं नहीं, पार्किंग की जगह नहीं थी। नहीं, पार्किंग दिखाई नहीं था पहले भी दिखाई नहीं था, सैंक्शन भी नहीं किया था पार्किंग।
नीचे में उस रूम ही बताया था उसने, 23 स्क्वायर मीटर में रूम बताया था उसने। इसमें बिना पार्किंग के इसको नक्शा कैसे पास हुआ? नहीं नहीं, वो स्मॉल ये प्लॉट एरिया छोटा था ना, इसका जो प्लॉट एरिया था 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया था, उसे पार्किंग दिखा नहीं, यानी पार्किंग के जो रूल्स में था ही नहीं। वो जो बड़े कॉम्प्लेक्स है या फिर कमर्शियल है या फिर कोई हॉस्पिटल, उस पार्किंग दिखाना पड़ता, तो उसने पार्किंग ना दिखाते हुए उसने वो सैंक्शन किया था। ग्राउंड फ्लोर पार्किंग दिखाया नहीं था उसने, सैंक्शन करते होती ऐसी सैंक्शन भी ना पार्किंग, ये सैंक्शन नहीं था पार्किंग। कैमरा पर्सन श्रीकांत देवड़कर के साथ रितेश बोरकर, 24 तास नागपुर।